मैंने दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं। एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई जादू सा है कुछ सवा मैं। झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज। जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। मैंने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है वो। जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत चारी ऐ। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज, उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चुपटा रात। इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला। इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। मुझे किस किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा। मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा। खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, 15 से यूनिवर्सिटीज हैं। आई डोंट नो अगर मैं जाऊंगी या फीस कराऊँ, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है। क्वारंटीन के बारे में बात करूंगी, टाइम ज़्यादा नहीं है। सितंबर है, 14 किया, मंडे का दिन है, सुबह का टाइम है और एयरप्लग्स मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तो तुम लोगों का भी पहला एक्सपीरियंस है, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों को आपस में डील करना पड़ेगा। मैं दरमियान में रोक के इसको चेक नहीं करूंगी कि ऑडियो कैसी है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करती यार। मैं खाना भी जब बनाती हूँ तो मैं दरमियान में कभी नहीं चेक करती हूँ। तुम लोग बहुत सारे लोग रिलेट करोगे मेरे साथ कि यार हाँ दरमियान में ऐसा नहीं कि नमक चेक करो और चीनी चेक करो। और आई एम एन इनक्रेडिबल शेफ, बता रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ। तो एक बात, सेकेंड बात, बहुत अनॉइंग हो गया मेरे खुद के लिए। मैं बहुत ज़्यादा टेक लेने लगी यार, बहुत ज़्यादा टेक्स लेती हूँ कि एक और बार अच्छा ये इतना अच्छा नहीं गया, बस अब आई एम मतलब अब मुझे इतना भी नहीं करना चाहिए। तो बस अब मैं नहीं वापस रोकने वाली। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ परफेक्शनिस्ट, तो उसके लिए ठीक है, इट्स फाइन, जो भी गलतियाँ होती हैं। अच्छा, क्वारंटीन के बारे में बात करने वाले हैं। ईयरप्लग्स क्यों मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने डिस्कस करना था, मुझे याद आ गया यार। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो यूज़ करते हैं। Ashley from Bestest, she is amazing, बहुत inspiring है, मुझे बहुत पसंद है, वो use करती है earphones। फिर Alina Reis है India से, और बहुत सारे male YouTubers भी हैं। मे बी शायद ये काम करता हो और आपको माइक की जरूरत ना पड़ती हो। Let's see, फिर आप लोग मुझे बताना कि कैसी आवाज़ थी, कि मुझे इस तरह वीडियो बनानी चाहिए या उससे बेहतर वही है जिसमें आवाज़ें आ रही होती हैं पीछे बच्चों की। बस इट्स गोना चेंज, क्योंकि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे पास अपनी जगह है, वहाँ पे शोर नहीं होता, वहाँ पे सुकून होता है, वहाँ पे दिन की लाइट बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पे इर्द गिर्द घर है, क्या कहाँ निकल गई मैं। अच्छा, क्वारंटीन स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट मार्च में स्टार्ट हुआ था या फेब के लास्ट में, इसी तरह ठीक है। अच्छा, जब स्टार्ट हुआ तो मेरा क्या तरीका है, और मुझे इस बात पे यकीन भी है, मुझे लगता है कि यार सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे कोई जंग स्टार्ट हो जाए, मुझे लगेगा कि मे बी ये एक साइन है अल्लाह ताला की तरफ से और मुझे कुछ अभी करना है इसके लिए, ठीक है। तो जैसे क्वारंटीन स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि यार दिस इज ऑल आई वांटेड ऑल माय लाइफ, ऑल 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, के मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, मगर नहीं देती इंजीनियरिंग, सक्स, आप मत कर, कौन कर रहे हैं यार। अच्छा, ये बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, आपका अपना डिसीजन है, मगर मेरे लिए इट टर्न आउट टू बी वेरी बैड, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं। और ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपको टाइम, आपको वो टाइम तो कम से कम चाहिए कि जब आप ग्रेजुएट हो जाओ तो आपके पास कोई चीज़ हो, आप फिर से स्टार्ट करते हो। इसीलिए लोगों की जॉब्स नहीं लग रही होती, लोग रेडी नहीं होते, ठीक है। तो मुझे लगा दिस इज द साइन, और फाइनली क्वारंटीन यार आउट ऑफ नोवेयर हुआ था। सब एग्री करोगे कि कभी हमने सोचा नहीं था कि एक ऐसा डिजीज होगा जो कि ऐसे फैलेगा। हाँ, बिल गेट्स ने वॉर्न किया था, मगर हमने उसको सीरियसली लिया था उस टाइम, या फिर हम लोग रेडी नहीं थे। मुझे अम्मा बुला रही, तो हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, और हमें लगा कि यार कि ठीक है बस जिंदगी चल रही है, मगर बीच में एक डिजीज आता है और आपकी यूनिवर्सिटी से छुट्टी, तो वो बहुत मजे की बात थी, ठीक है। तो मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो वीडियोस बनाएंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, और मैंने बनाई 80 वीडियोस हो गई हैं चैनल पे। और
50 ऑलमोस्ट मैंने इसी एरिया में बनाई, एरिया नहीं इसी एरा इसी टाइम पीरियड में मैंने बनाई। उससे पहले मैंने 30 वीडियोस बनाई हैं बड़ी मर मर के। और अच्छा यस वो तो मैंने डिस्कस करना है। अच्छा तो वीडियोस बनाई मैंने, इंजॉय किया, फिर ईद का टाइम आया और गाड़ियाँ वगैरह बंद थी और मैं इस्लामाबाद में थी, तो गाड़ियाँ खुली हैं कोई एक दिन पहले, ईद से एक दिन पहले, और मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि अगर गाड़ियाँ ना खुलती तो मैं ईद वहाँ पे करती। मैं रिस्क लेने के लिए तैयार थी, मेरे पेरेंट्स रिस्क नहीं ले सकते थे, और क्योंकि उनकी ईद नहीं होती ना हमारे बगैर, तो उन्होंने वो मुझे लेने आ गए। तो फिर मैं इस्लामाबाद से फैसलाबाद वापस आ गई, और फैसलाबाद में ठीक है स्टार्ट में थोड़ा गया कि चलो ईद हो गई, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे वापस आना क्योंकि मैं यहाँ पे इतना सही फ्रीली अपना काम नहीं कर पाती, ठीक है। ऑल दो वो मुझे कुछ मना नहीं करते बट स्टिल लाइक नहीं उतना मुझे मजा आया ना, क्योंकि आप थोड़ा सा फोकस पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, आपका फोकस वो नहीं रहता क्योंकि आप सब मिलके खाना खा रहे हो, फिर हम लूडो खेलते हैं, फिर हम कुछ ये देख रहे हैं, कोई ये वो सब हो जाता है। तो मुझे चाहिए था अपने लिए टाइम कि मैं साल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और इसको मैं अपने साथ इतना टाइम नहीं है मेरे पास इतनी डिटेल्स में जाने के लिए। तो एनीवेज मैं थोड़ा डिस्टर्ब होना शुरू हो गई क्योंकि फिर उनसे मैंने जब कहा कि मुझे वापस जाना है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम घर का खाना खाओ, तुम अपनी सेहत देखो, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम अपना वो देखो। तो ठीक है मैंने कहा चलो सही। अब डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, डिप्रेशन ही कह सकते हैं, स्ट्रेस स्टार्ट हो गया, सैडनेस होना शुरू हो गई क्योंकि सोशलाइज नहीं करी और मैं एक सोशल इंसान हूँ ना चाहते हुए, मैं चाहती नहीं हूँ, मगर एक बेस एन एनिमल सिटिंग इनसाइड मी जो कि बाहर आ जाता है जब इंसानों को देखता है, तो मैं नहीं कर रही थी सोशलाइज और घर में थी, डिप्रेशन होना स्टार्ट, स्ट्रेस होना स्टार्ट हो गया और वो बहुत बुरा होता गया, बहुत दिमाग ख़राब होता गया। मगर उसी टाइम पीरियड में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी, तो अभी उस चीज़ की तरफ आ रही हूँ कि फाइनली इट्स ओवर, मगर क्वारंटीन टॉट अस सो मेनी थिंग्स ना, कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई भी, लाइक मुझे पेशेंस आ गया, मुझ में पेशेंस ज़ीरो था, टॉलरेंस ज़ीरो थी। और ये सबको पता है जब आप अकेले रह रहे होते हो तो आपको कोई मना नहीं करता कि इंटरनेट बस इतना यूज़ नहीं करना, रात को सो जाओ, क्या खा रहे हो। तो मैं तो सुबह नूडल्स खा रही थी, रातों को जाग रही थी, और यहाँ पे घर में ऐसा होता है कि 11 बजे इंटरनेट बंद करते हैं अब्बा, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं बस वही अब सो, सुबह उठ के जो करना है करो, मगर थोड़ा रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो वो थोड़ा वो भी चेक में आ गया। तो मुझे पेशेंस आ गई लोगों के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, सबसे ज़्यादा आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ता है क्योंकि पराए उस तरह मैटर नहीं करते ना। और रिलेशनशिप्स रखना, रिलेशनशिप्स को बनाना इज अ रियल जॉब। ऐसा नहीं है कि आज आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हो, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, अम्मा अब्बा हैं, तो आप उनके साथ बस हो ना, नहीं, उसको काम उस पर काम करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा अपना थोड़े से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, थोड़े से अगली पार्टी को भी करने पड़ता है। इसी तरह रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है, वरना तो फिर वो अगले कहें चलो रिश्ता तोड़ो यार अपना अपना काम करता है। मगर यार एक वो आ गया। फिर सेकेंडली मज़े की बात, अब ये मज़े की बात ये कि मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं अगर अभी पिछली वीडियोस अपनी देखती हूँ तो मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तुम लोग अगर देखते हो तो थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज। मैं वो वीडियोस नहीं देख सकती, मैं अपने कंटेंट से खुश नहीं हूँ, मैं वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ, ट्रस्ट मी, और मैं बनाऊंगी। तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गई। मेरे साथ प्रॉब्लम पता क्या थी, मुझे लगता था कि बस मुझे वीडियोस बनानी है तो जो मेरा दिल चाहेगा मैं वैसे बनाऊंगी, मगर ऐसे नहीं होता, आपको सीखना पड़ता है। मैंने यूट्यूब को फुली एक्सप्लोर किया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत बड़े बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर्स का नहीं पता था। इस टाइम में मैंने जेनिम को डिस्कवर किया, मैंने एमा को डिस्कवर किया, यार एमा को कौन नहीं जानता, मैं नहीं जानती थी। मैंने बेस्ट गेस्ट को किया, एशले को डिस्कवर किया, और एशले इंस्पायर्स मी अ लॉट, और वो उसमें और उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं, ठीक है। तो मुझे पता लगा यार इस तरह सी वीडियो होनी चाहिए और उससे बहुत डिफरेंस आएगा, ये करना चाहिए। तो वो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग जो कि मैं इम्प्लीमेंट करूँगी फ्यूचर में। और यहाँ तो अगर मैं वहाँ पे ही रहती
इस्लामाबाद में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी डिस्कवर करती। हाँ, मेरी स्पीड बहुत अच्छी जा रही थी, हफ्ते में दो दो तीन तीन वीडियोस मैं अपलोड कर रही थी। तो वो फिर यही है ना, जिस तरह से आप जितनी भी ईंटें लगाते रहो मगर स्मार्टली वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो मैंने थोड़ा सा सीखा, और यह अच्छी बात है, हम सब ने क्वारंटीन से कुछ ना कुछ सीखा भी। हाँ, टफ टाइम्स थे, हाँ बहुत सारी मुश्किलात थी। लोग यार, लोग ये क्यों कह रहे थे यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल याद आ रहा है, ये अजीब गंद है। मगर कुछ ना कुछ, आई एम श्योर आप सब ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट किया होगा लाइफ के ऊपर। और तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों का क्वारंटीन कैसा रहा? मेरे स्टार्ट में अच्छा रहा, और वो ग्राफ बहुत बुरी तरह गिरने लग गया था। और या अब हम सब आजाद हैं, जिंदगियां शुरू कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा यार, मास्क पहनना इज ग्रेट, मैं बता नहीं सकती, मास्क पहनना बहुत अच्छा है। मास्क जरूर पहनो, मैं भी जरूर पहनूंगी। सबसे पहले तो पब्लिक में लोग आपको जान नहीं पाते, इससे बड़ा तुमको क्या चाहिए पता? अगर मुझे लोग रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे ना कि ये मेमूना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये बहुत अच्छी चीज है। फिर यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है बहुत ही फायदा होगा इससे, ठीक है। मुझे या नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी शक्ल खा के बाद, इट्स गुड, मास्क पहनो, ख्याल रखो। अब टाइम ज्यादा हो गया, मैं नाश्ता करूंगी, एंड आई विल सी यू गाइस इन द इस्लामाबाद। टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय।